आपने भी सुना होगा ये कहावत है कि मेहनत करने का फल मीठा होता है और आप मेहनत का फल अवश्य मिलता है, और मेहनत करके ही आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। ये बहुत हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये रिक्शा वाला जो कि सारा दिन दिन रात मेहनत करता है वो अमीर होना चाहिए था, एक मजदूर जो कि सारा दिन मेहनत करता है उसको अमीर होना चाहिए, लेकिन वो पूरी सारी ज़िंदगी केवल गरीबी के दलदल में ही धंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में कि आप मात्र एक एक मिनट के प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी सुखद बना सकते हैं, संवार सकते हैं, तनाव से मुक्ति प्राप्त करते हैं सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। हर मुश्किल हो आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी ऐशो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी, और साथ में ही जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। जब आप अपने जीवन में मेहनत कर करके थक जाते हैं, कभी एक कार्य करते हैं उसमें सफल नहीं होते, आप दूसरा शुरू कर देते हैं उसमें भी सफल नहीं होते, और आप ये हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप सामने वाले को देखते हैं, आप जो एडवाइस देते हैं वो सामने वाले की तो फलित हो जाती है और वो उस काम में तरक्की पा जाता है, लेकिन आप खुद जब उस काम को करते हैं तो आप उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती और आप फेल हो जाते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, आपके जब कार्य बिगड़ने लगते हैं तब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है तब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, बच्चे कैरियर नहीं बना पाते हैं तब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, बीमारियां घेरे हों तब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों, जब भी हमारे जन्मांक के ग्रह पीड़ित होने लगते हैं या हमें पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं तब हमारे हर बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। हमारे जीवन में चारों तरफ से परेशानियां हमें घेर लेती हैं और हम समझ ही नहीं पाते हमारा अच्छा चलता हुआ वक्त हमारा कब बुरे वक्त में बदल जाता है, और बुरे वक्त का साथी बुरा ही वक्त बन जाता है। हम लाख कोशिश कर लेते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब जो भी कुछ हो रहा होता है वो हमारे जन्मांक के ग्रहों की वजह से हो रहा होता है। तो मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर ही आधारित है। प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई अवस्था हो, ये आप विश्व में किसी भी देश में रहती हो, आप 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। आप विश्व में कहीं रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत से बाहर रहते हो, ये मेरे इन प्रयोगों को जो कि मात्र एक एक मिनट के प्रयोग हैं और प्राकृतिक चीज बस्तियों से आप इन प्रयोगों को कराती हूँ, इन प्रयोगों को करने से प्रतिदिन के एक उपाय से आपके जन्मांक का एक ग्रह 0.1% उसमें शुभता आना शुरू हो जाती है, वो आपका विलेंस होना शुरू हो जाता है। जब आप ग्रह धीरे धीरे, जब आप दोनों प्रयोगों को एक साथ करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तब आपके ग्रह धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये सपोर्ट करने लगते हैं। आपके बनते हुए कार्यों में जो आपको रुकावट हो रही होती है वो वहीं पर थम जाती है और आपके कार्य बनने लगते हैं, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है। लेकिन ऐसा चमत्कार एक दिन में नहीं होता, आपको इनको नियमित करना होता है, क्योंकि जब आपके कार्य बिगड़ रहे होते हैं उसको भी बिगड़ने में बरसों लगे होते हैं, तो संभलने में भी कुछ समय तो आपको अवश्य लगेगा। तो इन प्रयोगों को आपको दोनों को एक साथ लगातार करना होता है। जब आप दोनों प्रयोग एक साथ करने लगते हैं तब सबसे पहले ये आपको मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है यानी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, और इतने सारे आपको जब इससे लाभ मिलने लगते हैं तब आप अपने जो आपके ग्रह हैं वो भी पीड़ा पहुंचाने में आपको जो पहुंचा रहे होते हैं शांत होने लगते हैं, और उनकी भी आपको सपोर्ट मिलने लगता है, आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे होते हैं उनमें आपको निकलने का मार्ग मिलने लगता है और आप उनसे इजीली निकल भी आते हैं। तो आपको दोनों प्रयोग एक साथ करने हैं। 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आज का राहु काल है 9:17 से 10:37 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:38 से 12:23 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं।
आज आपको नहाने के पानी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी डालकर आपको स्नान करना है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। इस का शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका का ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी पढ़कर इनसे सुविधा प्राप्त कर सकें। साथ में ही आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी का बटन आ रहा है, उसे आप ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होंगे और आपसे कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं। आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो कीजिए ही, साथ में ही मैं हफ्ते में एक बार आपको अन्य विषय पर भी वीडियोस देती हूँ जो कि आपके धन से संबंधित होती हैं, आपकी समस्याओं से संबंधित होती हैं, उन्हें भी आप देखना ना भूलें। आप मुझसे किसी ज्योतिषीय समस्या के बारे में सलाह चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर, जिससे और लोग भी जिन्हें इन प्रयोगों की ज़रूरत हो, जो कि मानसिक तनाव झेल रहे हों, जो भी इसी तरह से धन हानि से पीड़ित हों और तमाम समस्याओं से पीड़ित हों, वो इन प्रयोगों करके लाभ प्राप्त कर सकें। आपका एक प्रयास हजारों लोगों की मदद करेगा। अब जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी उनका ये वर्ष हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 9 नंबर 9 का अंक रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखें और साथ में उसमें एक तेज पत्ते का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर बांध लें और उसको अपने पर्स या पॉकेट में रख लें। वर्ष भर ये रखें, जो जिनका बर्थडे है वो रखें और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, पति पत्नी दोनों ये प्रयोग करें। ये प्रयोग उनको वर्ष भर सुविधा प्रदान करता रहेगा। मैं आपको करवा चौथ के ऊपर आपको सिंदूर कैसे लगाना है उसका वीडियो पोस्ट कर दिया मैंने। मैंने आपने देखा होगा मैंने शरद पूर्णिमा का भी एक प्रयोग आपको दिया है। मैं दीपावली पर, आने वाली दीपावली पर आप किस तरह से पूजा करके स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं उस प्रयोग को बताऊंगी। अगर वो प्रयोग आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करते हैं तो आप पाएंगे हर वर्ष की तुलना में ये वर्ष आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप मेरे उस वीडियो का वेट कीजिए और मुझे इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल पर आप विजिट करते रहिए। धन्यवाद।